हेलो डेवलपर्स, आई एम निखिल और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फाइल को अपलोड करना है Node.js के थ्रू सर्वर पे तो कैसे करें। तो उससे पहले आप लोगों को ये प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है मॉड्यूल को फॉर्मिड एवर। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, npm install और ये flag save और फॉर्मिड एवर। तो देखिए कैसे करना है, तो इसको इंस्टॉल करना है अगर तो सिंपली क्या लिखेंगे आप लोग, npm i लिखो सेव, उसके बाद लिखो फॉर्मिड एवर, उसके बाद हिट एंटर करो। और तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग का एक्चुअल वॉक है उस पर आते हैं। तो मैं करूँगा क्या, जैसे कि आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट का अकाउंट हो तो आप लोग प्रोफाइल चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, वहाँ पर एक कैमरा का आइकन दिया होता है, उस पर क्लिक करने पर आपका गैलरी या कुछ भी हो वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर गैलरी तो ओपन होगा नहीं, ये तो है कंप्यूटर पीसी। तो यहाँ पर ओपन विंडो ओपन होगा और वहाँ से हम लोग कोई भी फाइल, जैसे कि अभी मैं फिलहाल क्या करूँगा कि इमेज फाइल, आप लोग कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो इमेज फाइल को अपलोड करवा के दिखाऊँगा, ठीक है। तो और एक चीज़, अगर आप लोग को स्टैटिक फाइल्स को अगर रेंडर कराना है ब्राउज़र पे तो मैंने उस पर वीडियो पहले ही बना चुका है। तो आप लोग मेरा Node.js ट्यूटोरियल का सेकेंड वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेली सब कुछ बताया है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर पब्लिक के अंदर देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया है प्रोफाइल। तो हम लोग अगर सर्वर पे अगर फाइल अपलोड करते हैं तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर वो जाके सेव होगा। अभी तो नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं, तो यहाँ पर जाके होगा। और देखिए वहाँ पर मैंने एक इमेज को रखा है जो कि प्रोफाइल की इस फोल्डर के बाहर भी था, इस पब्लिक के अंदर, इसी के अंदर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो और यहाँ पर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल फाइल मैंने एक और बनाया है। तो ये कब रन होगा, जब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये जो एंकर लिंक मैंने लगाया है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में, जो रेफरेंस दिया है मैंने, तो मैं अगर ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है इस पाथ पे लेके जाएगा। अब ये पाथ कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, तो ये पाथ मिलेगा यहाँ पर handler.js। अब ये सब हैंडलर, ये फोल्डर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सर्वर फोल्डर के अंदर मैंने जो ये सब फाइल बनाया है, आप लोग अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग सा लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए URL पाथ, अगर ये मतलब सिंपली मैंने क्या किया, जो URL है अगर मैं इसको रन करूँ तो कैसे रन करना है, npm start, क्योंकि start जो json फाइल है उसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर देखिए json फाइल package.json में मैंने स्टार्ट किया है node.mon सर्वर और सर्वर के अंदर server.js। तो यहाँ पर ये सर्वर फोल्डर, इसके अंदर ये server.js, ठीक है। तो जब ये listen ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर ये जो envt environment मैंने यहाँ पर सेट किया था जिसमें पोर्ट नंबर था और लोकल होस्ट था, उसके बाद एक फंक्शन जो रिटर्न कर रहा था कि आपके एप्लीकेशन इस लिंक पे रन हो रहा है, तो ये बताने के लिए। और इसी चीज़ को मैंने, ये क्लास को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पर, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसका पोर्ट नंबर और होस्ट को एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पर देखिए लिसन में को अगर सेपरेट कर देंगे आप लोग तो यहाँ पर ये हैंडलर डॉट हैंडल फंक्शन, तो यहाँ पर जो हैंडलर फंक्शन को हम लोग देते हैं वो हैंडलर फंक्शन जो कि आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स
की हैंडलिंग करता है। तो ये हैंडलर नाम का भी मैंने एक फोल्डर बनाया था, ठीक है, उसके अंदर हैंडलर डॉट जेएस नाम का फाइल बनाया और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट कर दिया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हैंडलर डॉट हैंडलर हैंडलर फंक्शन। तो अभी यहाँ पर देखेंगे नीचे तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा हैंडलर फंक्शन के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था हैंडलर फंक्शन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, उसके अंदर ये हैंडलर फंक्शन है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस में हैंडलर डॉट हैंडलर फंक्शन और उसी हैंडलर डॉट जेएस में से ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। देखिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया है। तो वही ऑब्जेक्ट मेरे को सर्वर डॉट जेएस फाइल में यहाँ पर मिल जाएगा, कब मिलेगा जब उसको इम्पोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर ES6 का तो काम करता नहीं, यहाँ पर कॉमन JS है। तो मैं ये बोला इसको ये सर्वर डॉट जेएस फाइल में कि ये जो इसके बाहर ये डॉट डॉट स्लैश मैंने कर दिया है, तो फाइल ये बोल रहा है कि जहाँ पर मैं हूँ उसका डायरेक्टरी, ठीक है, उसका डायरेक्टरी अगर सिंपल दे दूँ तो ये करेंट डायरेक्टरी हो जाएगा। लेकिन करेंट डायरेक्टरी का पेरेंट डायरेक्टरी तो सर्वर डॉट जेएस का ये करेंट डायरेक्टरी सर्वर है, इसका पेरेंट डायरेक्टरी नोट ट्यूटोरियल है। तो उसके अंदर है हैंडलर, यहाँ पर देखिए हैंडलर, ये हैंडलर और उसके अंदर हैंडलर। अब ये हैंडलर डॉट जेएस है, आप लोग यहाँ पर डॉट जेएस देने की जरूरत नहीं है इसलिए क्योंकि आपका जो ये फाइल है वो भी डॉट जेएस एक्सटेंशन है। तो जब ये हैंडलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर कैसे काम करेगा देखिए। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करना पड़ता है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट में आएगा, अगर रिस्पॉन्स देना हो तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उस URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पाथ नेम क्या है तो ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे पाथ नेम मैंने बोला तो अभी देखिए अगर मैं इसको यहाँ से रन को कॉपी करूँ और यहाँ पे कैसे रन करा, ठीक है, तो वेलकम टू यू लिख नहीं रहा, सॉरी फ्रेंड मैं अपोलोजाइज। तो यहाँ पर लोकल होस्ट 9701, ठीक है। तो ये क्या है अभी, अब ये इसको अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो ये हो गया। इसको आप लोग जैसे बोल सकते हैं होम पाथ, ठीक है, तो ये होम पाथ या फिर करेंट पाथ, इसको बोलते हैं करेंट पाथ। तो करेंट पाथ जब ये मैं हिट करूंगा ब्राउजर पे तो क्या होगा, तो यहाँ पर वो पाथ नेम मेरे को मिल जाएगा URL डॉट पाथ। ये जो सभी ये जो कोर मॉड्यूल URL OS पाथ FS इस सभी कोर मॉड्यूल के बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके Node.js पे जाके देख सकते हैं, मैंने सभी चीज को डिटेली बताया है। तो यहाँ पर ये पाथ मिला रिक्वेस्टेड इन्फो, अब इससे ये पता लगेगा मेरे को कि किसके लिए किस पाथ के लिए रिक्वेस्ट आया है यहाँ से। तो अब ये देखिए रिक्वेस्ट पर इसके लिए, अब इसके अंदर स्टाइलर CSS है, ये फेविकन है, फिर ये रिक्वेस्ट पर स्टाइलर, ठीक है, क्योंकि ये जो एक HTML फाइल है कहाँ गया पब्लिक के अंदर, यहाँ पर स्टाइलर CSS भी है, ये सभी मैंने पहले ही बता दिया है। और एक फंक्शन जो कि जो भी रिसोर्स है, ठीक है, जिस URL के लिए यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको सर्व करना है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सर्व रिसोर्स नाम का फंक्शन बना दिया, इसमें रिक्वेस्ट को पास कर दिया और URL पाथ को पास कर दिया, उसके बाद रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन अब कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका है सर्व रिसोर्स रिक्वेस्ट URL पाथ एंड रिस्पॉन्स। अगर URL पाथ ये होता है तो मैंने बोला index.html फाइल को रेंडर कर दो, अगर URL पाथ ये प्रोफाइल होता है तो मैंने बोला profile.html फाइल को रेंडर कर दो।
अगर उसके साथ साथ CSS आता है तो मैंने बोला था कि CSS को उस HTML फाइल के साथ अपेंड कर दो। तो कैसे किया था मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। मैं सिर्फ देखूंगा कि लास्ट का जो एक्सटेंशन, ठीक है, उससे मैच करूंगा। यहाँ पर ui.match अगर CSS है तो पब्लिक के अंदर जैसे जो भी फाइल आएगा, जो भी पाथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वन से सब स्ट्रिंग वन से स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं स्लैश भी आ जा रहा है। तो इसके बाद आए मैंने वन से लेके यहाँ पर उसका लेंथ माइनस वन, क्योंकि कोई भी अगर कैरेक्टर का लेंथ फोर है तो आप लोगों को फोर बताएगा, लेकिन उसका इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो वन टू थ्री फोर, तो उसमें क्या हुआ कि फोर नहीं फाइव हो गया। तो इस केस में जीरो से लेके मैं फोर तक ही करूंगा ना, इसलिए यहाँ पर लेंथ माइनस वन किया। और एक स्ट्रीम मैंने क्रिएट किया, स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए पहले पाथ दिया CSS पाथ, उसके बाद इनकोडिंग UTF-8, ठीक है। और मैंने कंटेंट टाइप बता दिया राइट हेड को कि ये टेक्स्ट CSS है, और उसके बाद इसको ओके कर दो अगर ये फाइल मिले तो, ठीक है। उसके बाद पाइप के थ्रू रिस्पॉन्स कर दिया तो वो अपेंड हो जाएगा उसके बाद। इसी तरह इमेज के लिए भी मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप लोग सेकेंड वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, इसको रन कराया तो मैंने आपको मिलेगा ये। और देखिए मैं यहाँ पर शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं अगर ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो ये आ गए हम लोग जो प्रोफाइल वाले यहाँ पर ये पास में, ठीक है। और ये सब मैंने सिर्फ ये सब डिजाइनिंग है फ्रेंड, यहाँ पर कुछ नहीं किया है मैंने, अभी बता दूंगा। तो एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन विंडो हो जाएगा, यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करो और जैसे ओपन कर देते हो तो वो क्या होगा कि यहाँ पर अपलोड हो जाएगा सर्वर पे और यहाँ पर भी दिखाई देगा। ऐसा फंक्शनलिटी मैं बनाना चाहता हूँ, बना नहीं है लेकिन बनाना चाहता हूँ। तो अब आते हैं फ्रेंड यहाँ पर, कुछ तुम्हारा तो बाद में काम है, पहले ये profile.html को हैंडलिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने एक प्रोफाइल बॉक्स दिया है, उसके अंदर इमेज है। और ये जो इमेज कहाँ से मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल और यहाँ पर ये wander.jpg, लेकिन अब ये तो चेंज होता रहेगा, ठीक है, जितनी बार मैं अपलोड करूंगा। आप लोगों ने दो चीज देखा होगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम में डिफरेंस, कि फेसबुक पे जब हम लोग प्रोफाइल को अपलोड करते हैं तो उससे पहले जो अपलोड किया था वो भी रहता है, अभी जो अपलोड कर रहा हूँ वो भी रहता है। लेकिन इंस्टाग्राम में क्या है कि जैसे मैंने अपलोड किया तो प्रीवियस क्या था क्या नहीं था उससे वो मतलब नहीं रखता। अब ये प्रीवियस क्या था अभी तो नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोग को डेटाबेस को लॉन करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि प्रीवियस फाइल कौन सा अपलोड हुआ था, उस डेटाबेस से फेच होगा। और उसके बाद प्रीवियस फाइल को आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि अभी जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको, जो प्रीवियस फाइल था उसको डिलीट करो, अभी जो अपलोड कर रहा हूँ उसको उस फोल्डर के अंदर रख दो, ठीक है। तो ये मैंने किया था जब चैट एप्लीकेशन मैंने बनाया था यूजिंग नोड जेएस। तो मैं फ्रेंड उसको भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्रिएट किया और जैसे आप लोग को ये चीज़ मिल जाएगा, इसको यहाँ से कॉपी किया और ये ब्राउजर पे आया। अब इसमें यहाँ पर अब ज़्यादा मैं नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता, बस बताने के लिए, अब इसमें ये नहीं बताना चाहता कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बाद में हम लोग ये सब जब सॉकेट प्रोग्रामिंग सब पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। और पासवर्ड दे दिया मैंने राहुल और ये लॉगिन, और तो ये लॉगिन हो चुका। छोड़िए अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया। मैं क्या करता हूँ अभी इमेजेस, तो कोई भी फाइल जैसे मैं क्या दूँ इसको, ये जो क्यूट सा डॉग है इसको लगा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। तो फ्रेंड एक चीज़ देख रहे हैं कि बहुत ही फास्ट हो रहा है, ये चीज़ मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पर नोड जेएस में। और ये कि अभी ये
राहुल गुप्ता जो है अभी अभी मैंने अकाउंट किया था, क्योंकि अभी सभी लोग का मैं भूल चुका कि पासवर्ड क्या था, उसके लिए भी मैंने फंक्शनलिटी दिया है, लेकिन अभी मैं नहीं बताने वाला। और लाइक तो इसको हटाते हैं फ्रेंड। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, ये मिल गया आप लोगों को। अब इसका स्टाइलिंग सब मैंने कर रखा है, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहीं पर मैं नीचे स्क्रिप्ट यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर एजेक्स की यूज करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब इस पर कोई अनचेंज होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी अनचेंज होता है तो अपलोड फाइल, फाइल अपलोड हो, कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, अपलोड फाइल नाम का फंक्शन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने बनाया एक कॉन्स्ट अपलोड फाइल नाम का एक फंक्शन, ये बनाया। सबसे पहले मेरे को चाहिए इमेज, तो वो इमेज कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं एक्सेस करूंगा कॉन्स्ट फाइल आईडी को, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी क्वेरी और क्या है इमेज। अब फाइल चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वैसे तो फ्रेंड मैं सबसे पहले एक्सेस करूंगा फाइल, देखिए यहाँ पर एक ही फाइल है, तो लेट फाइल इक्वल्स टू फाइल आईडी डॉट फाइल्स, और यहाँ पर एक ही फाइल है, तो फाइल आईडी डॉट फाइल्स, ये पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पर दूसरा कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो पूरा मतलब ये मान के चलते हैं कि एक से ज्यादा फाइल हो सकता है। फाइल्स जीरो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये छोड़, यहाँ पर ये फाइल चल गया, ठीक है, और यहाँ पर मैं इमेज मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर फाइल्स जियो ऐसे कर दिया, और ठीक इसके नीचे एक और बनाया मैंने नेम, फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल नेम इक्वल्स टू इमेज फाइल जियो डॉट नेम, ठीक है, ये मिलेगा। अब मैं इसको देखूँ कंट्रोल डॉट लॉग करा के, तो देखते हैं कि फाइल नेम आता है या नहीं, या फिर मैं सिंपली अलॉट कर देता हूँ, अलॉट फाइल नेम। ऑलराइट, मैंने इसे कर दिया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और एडिट पे क्लिक किया। जैसे मैंने ये चूज किया तो ओपन मैं करता हूँ, लेकिन कुछ दिखाया नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई, देखते हैं क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कैनॉट रीड नेम ऑफ अनडिफाइंड, व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन, देखते हैं। अलॉट फाइल नेम बोला है कि फाइल नेम अनडिफाइंड, हाँ सही तो बोला है, आप ये क्या किया मैंने, तो अब चेक करता हूँ मैं बी डॉट जे पी जी, इसको ओपन किया, अलर्ट देखिए यहाँ पर बी डॉट जे पी जी हो गया। अब ये फाइल को सर्वर पे लोड करना है तो कैसे करेंगे। ऑलराइट, ये चीज़ है। एक चीज़ और मैं क्या करूँगा, मेरे को फाइल नेम तो मिल गया, लेकिन मैं इसका एक्सटेंशन भी चेक कर सकता हूँ, तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन पहले ही बता चुका है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ, फाइल नेम डॉट
मैच कर सकता हूँ कैसे? अगर का एक्सटेंशन हो JPEG एंड में, मैंने ऐसे किया, और उसका एक्सटेंशन हो PNG SPG कुछ भी, तो सभी के लिए मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ। अगर ये सबसे मैच करता है, ठीक है, इनमें से किसी से भी मैच करता है तभी वो फाइल अपलोड, ये मैंने बोला। तो अब मैं फाइल अपलोड करूँगा, तो फाइल तो अपलोड करूँगा, लेकिन देखिए मैं एक ही फंक्शन के अंदर नहीं लिखूँगा क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी को दे देता हूँ फाइल को अपलोड करने के लिए, किसी को मतलब कोई फंक्शन को दे देता हूँ। ठीक है, अगर ये एक्सटेंशन मैच नहीं करता है तो मैं बोल दूंगा कि अलर्ट कर दूंगा। क्या अलर्ट करूंगा मैं? वी कांट अपलोड, वी कांट आप लोग ये सिक्स का बैकटिक को यूज किए, वी कैन अपलोड दिस टाइप ऑफ फाइल। हो सकता है TXT मैंने अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे को TXT फाइल अपलोड करना नहीं है, मेरे को सिर्फ इमेज वाला फाइल अपलोड करना है। तो JPG PNG SVG GIF और JPEG ये सब फाइल को अपलोड करना है। तो वी कैन अपलोड दिस टाइप ऑफ फाइल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट टास्क क्या है? अब नेक्स्ट टास्क ये रहेगा मेरा फ्रेंड की अपलोड कराना, और डू अपलोड ब्रो, डू अपलोड मैंने ऐसे बनाया। तो डू अपलोड में क्या पास करूंगा? पहले तो इमेज फाइल पास कर दूंगा, उसके बाद में नेम पास कर दूंगा ना, तो फाइल नेम। अब कहाँ पर मैं बनाऊँ इसका फंक्शन? मैं एक चीज कर सकता था, ये जो मैं पूरा का पूरा कोड लिख रहा हूँ इसी फाइल के अंदर लिख रहा हूँ, मैं अलग से भी कर सकता था लेकिन टाइम बिंग लॉन्ग, तो कॉन्स्ट में बनाता हूँ डू अपलोड। ठीक है, डू अपलोड। तो फ्रेंड आप भी ये जो फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ ना, फैट एरो फंक्शन, इसको यूज करने का आदत डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। अभी एक से ज्यादा कोड है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक एक लाइन का कोड हो तो फिर वो सब देने की जरूरत नहीं है। फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम, और उसके बाद ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत ही नहीं। डू अपलोड, यहाँ पर क्या आएगा, मेरे को फाइल आएगा और साथ में नेम आएगा, फाइल एंड नेम, ऑलराइट। लेकिन फाइल को अपलोड करवाएंगे कैसे, बात तो ये। उसके लिए हमारे पास होता है एक ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो डेट डेट या कॉन्स्ट, कॉन्स्ट डेट कुछ भी, फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा डेटा। ठीक है, फॉर्म डेटा। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म डेटा में अपेंड करूंगा, क्या अपेंड करूंगा, फाइल, और इस तरह से अपेंड करूंगा। मैं बोलूंगा फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, अपेंड करूंगा क्या, और पहले तो मैं नाम दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने दिया कि प्रोफाइल, अब मैं ये किस लिए दे रहा हूँ, सर्वर साइड पे जब वॉक काम करेंगे तो अभी पता चलेगा। प्रोफाइल, और उसके बाद यहाँ पे फाइल दिया, और उसके बाद यहाँ पे नेम, ये दे दिया, इतना तो समझ में आ गया। इस फॉर्म डेटा को यूजिंग एजेक्स में सर्वर पे अपलोड करूंगा। ठीक है,
उससे पहले कि नानी माँ झाड़ू लेके आए, पहले चेक कर लेता हूँ, ठीक है, काम कर रहे कि नहीं। तो अलॉट, क्योंकि वहां पर मैंने वो कंडीशन लगाया है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, ऐसा होता है क्या। मैं यहाँ पर उसको सेव करके ओपन कर रहा हूँ, उसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर ये दिखने गया और ये क्या था, बी डॉट जे पी जी, इसको ओपन किया, यहाँ पर बी डॉट जे पी जी मिला। मतलब पहले का कोड तो नहीं है, नहीं, मैंने तो अभी तो सेव किया था इसको। फिर से सेव करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग सही हो जाए। मैं जैसे ऑटम डॉट जे पी जी, ठीक है, ऑलराइट। तो ये फंक्शन देखिए हो रहा है, बार बार ये क्या शो कर रहा है मेरे को, ये चैट एप्लीकेशन, ठीक है, उसको रहने दो। कॉन्स्ट डू अपलोड, अगर मैं दूसरा फाइल देता तो इसमें टीएक्सटी फाइल करके देखता हूँ, यहाँ पर बेकार का ऐसा फाइल अपलोड करता हूँ जो किसी काम का नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, ये क्या है, टीएमपी टीपीटीएक्स, ठीक है, ओपन करा, ये वी कांट अपलोड दिस टाइप ऑफ फाइल, वाओ वॉकिंग। तो फिर से आओ यहाँ पर, अब ये कर दिया मैंने, अब क्या करूंगा, अब मैं नाचूंगा फिर। तो देखते हैं, लेट मैं एक्सएमएल रिक्वेस्ट बनाऊंगा, तो एचटीटीपी भी लिखूंगा, तो लेट। तो फ्रेंड कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि नाम क्या रखूँ, ठीक है, तो विनोद रख दे क्या, बहुत फेमस है इसका नाम। तो लेट रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू एक्सएमएल HTTP REQUEST रिक्वेस्ट, और ये मैंने बनाया। अब क्या, अब फ्रेंड इसको मैं अपलोड करूंगा किस मेथड से, तो मैंने बोला पोस्ट, भाई पोस्ट करो, ठीक है। दूसरा मेरे को चाहिए कहाँ अपलोड करना है, उसका URL, URL मैंने बनाया नहीं, छोड़ो इसको छोड़ो, और यहाँ पर कर दो। अगर आप लोग चाहते हो कि इसको सिंक्रोनस करे या फिर असिंक्रोनस करो, तो मैं करूँगा ट्रू, क्योंकि बाकी का इसमें अगर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है तो वो रन करता रहे, साथ में ये भी रन करे, ठीक है, इससे उसको प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए मैं यहाँ पर कर दूंगा ट्रू, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूँगा, रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा, तो रिक्वेस्ट को सेंड करना ठीक है, बट ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ये तो क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को खुद नहीं पता। रिक्वेस्ट को ओपन करना है ना फ्रेंड, सॉरी पोस्ट, और यहाँ पर देना पड़ता है URL, तो यहाँ पर लेट व्हाट इज द URL, यहाँ पर अभी हमको पता नहीं क्या URL है, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया URL। उसके बाद मैंने बोल दिया ट्रू कि असिंक्रोनस करो, उसके बाद रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा, और सिंपली यहाँ से मैं कुछ नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, और उसके बाद ये फॉर्म डेटा, ये रिक्वेस्ट डॉट सेंड और यहाँ पर फॉर्म डेटा, ठीक है। और रिक्वेस्ट का जो रेडी स्टेट चेंज होते रहता है, ठीक है, जैसे कि रिक्वेस्ट क्रिएट करना और फिर रिक्वेस्ट रेडी करना और रिक्वेस्ट सेंड करना और फिर रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद वापस आना, तो ये जो फंक्शन है ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये ट्रिगर होता रहेगा। स्टेट चेंज ये फंक्शन, अब देखिए ओके कब होगा, अगर रिक्वेस्ट डॉट एसे और रेडी स्टेट इक्वल टू 4, ये मतलब ट्रू हो गया, और साथ में रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस इक्वल टू 200, मतलब ओके है, तब क्या करो फ्रेंड, तब और झूम झूम के नाचो, मतलब ये होने के बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि हाँ भाई फाइल तो अपलोड हो गया, लेकिन कैसे अपलोड हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब
ये तो यहाँ का कोड हो गया। अब बैकएंड का देखते हैं, बैकएंड का करना है तो सब चीज हम लोग को करना पड़ेगा। कहाँ पे? तो ये handler.handler.js के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ठीक नीचे आता हूँ, सबसे नीचे में, और यहाँ पर क्या करता हूँ देखिए, मैं बोलता हूँ अगर url path equal to क्या हो, अगर url path क्या हो, क्लास अपलोड, ठीक है, ये हो अपलोड क्या प्रोफाइल, या फिर अपडेट प्रोफाइल, अपडेट लिख देता हूँ, अपडेट प्रोफाइल, अगर ये हो अपडेट प्रोफाइल तो क्या करो, तो क्या करो इसके अंदर हम लोग करेंगे। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर इनकमिंग फॉर्म का ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों ने फॉर्मिडेबल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर नीचे आते हैं, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कैसे, तो लेट फॉर्म बोल दिया और मैंने बोला कि जो फॉर्मिडेबल है डॉट इनकमिंग फॉर्म, अब ये बन गया ऑब्जेक्ट, अभी नहीं बना ऑब्जेक्ट फ्रेंड, अभी तो यहाँ पर एक कीवर्ड बाकी है, न्यू न्यू इनकमिंग फॉर्म। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि फॉर्म डॉट पास, ठीक है, अब ये आर्गुमेंट लेता है रिक्वेस्ट। तो ऊपर में देखते हैं जो हम लोगों ने सब रिसोर्सेस नाम फंक्शन को कॉल किया था, वहां पर ऊपर में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला था, ठीक है, मिला था ना फ्रेंड। तो यहाँ पर कर दो रिक्वेस्ट, और यहाँ पर एक फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन। तो अब क्या, फॉर्म डॉट पास, ये रिक्वेस्ट यहाँ पर पहला तो क्या, पहला एरर होगा, तो पहला एरर होगा, उसके बाद फील्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे नानी होंगे, नहीं बोल सकता, फाइल्स होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स भी है ना ऊपर में, शायद एंड क्यों करना, बार बार रिक्वेस्ट आएगा, फिर से ये रिक्वेस्ट कॉल हो जाएगा, तो यहाँ से रिक्वेस्ट को फिर से एंड करना पड़ता है, रिस्पॉन्स डॉट एंड। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट राइट, अगर ये कॉल हो रहा है तो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया अभी काम कर रहा है कि नहीं, अपडेट प्रोफाइल। तो अब यहाँ पर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल में इस यू आर एल पे चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ मैं, अभी यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा प्रोफाइल, प्रोफाइल अपलोड देखते हैं अंदर डॉट जेएसपी क्या है, अरे यार अपडेट प्रोफाइल, ठीक है, अपडेट प्रोफाइल, ये अब यूआरएल भी मिल गया हम लोगों को, तो बेस्ट ट्राई। कहाँ आ गए, क्या है, इसको ही करते हैं, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो फ्रेंड ये वर्क कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर किया था फाइल अपलोड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर देखेंगे कि पोस्ट यहाँ पर फिनिश हुआ, ये तो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, तो फिर अच्छा करते हैं, कैसे करें अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब हम लोगों को जितना भी फाइल्स मिलेगा ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मिलेगा, और ये क्या होगा, अभी मान लो मेरे को भी नहीं पता कि ये क्या होगा, ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है।
जब भी हम लोग फाइल को अपलोड करते हैं तो वो टेम्परेरी जगह, एक टेम्परेरी प्लेस पे जाके वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। अब वो टेम्परेरी पाथ कहाँ है उसको ढूंढना पड़ेगा ना, तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग फाइल्स। अब ये जो मैं अपलोड करूँगा, तो मैं सेव करता हूँ, फाइल अपलोड इज सक्सेसफुली। अब फ्रेंड आपको शायद यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए, जैसे फाइल अपलोड हुआ, ठीक है। तो पाथ देखिए, यहाँ पर हम लोग को नेम भी मिल गया pic.jpg, और यहाँ पर टाइप भी है इमेज जेपीजी JPEG है, नेम टाइप मिल गया। पाथ यहाँ पर देखिए, एक टेम्परेरी इसका पाथ मिला है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सेस करें भाई, तो मैं बोलता हूँ अब इस टेम्परेरी पाथ से मूव करके मेरे को कहाँ पर ले जाना है, यहाँ पर, ये पब्लिक फोल्डर के, पब्लिक के प्रोफाइल के अंदर, राइट। लेट मी डू समथिंग, मैंने बोला भाई जो टेम्परेरी पाथ है वो क्या है, मैंने ये बोला, तो कहाँ से मिलेगा, फाइल्स डॉट पाथ था ना, समथिंग कैसे बोलते, फाइल्स डॉट पाथ, तो देख क्या था, देखू मैं डॉट पाथ और फाइल्स डॉट प्रोफाइल डॉट पाथ। ऑल राइट, एक चीज और, जिस नाम से हम लोगों ने फाइल को अपलोड किया था यहाँ पर profile.html में, यहाँ पर क्या है प्रोफाइल, ठीक है। तो वही नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, प्रोफाइल। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये टेम्पररी मिल रहा है ऑब्जेक्ट जो कि पाथ। मैं क्या बोलता हूँ, फाइल्स डॉट प्रोफाइल डॉट पाथ, प्रोफाइल डॉट पाथ, ऑल राइट, ये मिला मेरे को, टेम्परेरी पाथ मिल गया मेरे को। अब ये टेम्परेरी पाथ तो मिल गया, अब टेक प्लेस पाथ कहाँ पर है ना, तो अब ये टेम्परेरी पाथ सही है कि नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। गड़बड़ हुआ, तो मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और फिर से इसको रिस्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ये ओपन, फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गया, अब ये फिनिश हो गया। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए पाथ मिल गया हम लोगों को, ठीक है। ये टेम्पररी पाथ, अब नेम भी चाहिए मेरे, वो सब बाद में चाहिए, पहले काम कर लेता हूँ। अभी मेरे को बियर पीने का मन कर रहा है, दिमाग ज्यादा हैंग हो गया है। तो लेट टेम्पररी पाथ, ठीक है, फाइल डॉट प्रोफाइल डॉट पाथ। अब क्या, अब ये टेम्पररी पाथ मिल गया, अब कहाँ लेकर जाओगे, उसका भी तो पाथ चाहिए, तो उसका पाथ कहाँ से लाओगे, यहाँ पर ये, मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेट लेकर जाने वाला पाथ तो लिख नहीं सकता मैं, लेट मूव पाथ लिख देता हूँ, मूव पाथ इक्वल टू पाथ डॉट डिजॉल्व, ये एब्सोल्यूट पाथ आपको देगा, डॉट स्लैश क्या था, पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर, प्रोफाइल के अंदर, के अंदर दो बंदर, तो ठीक है, यहाँ पर प्लस दे दो और उसके बाद नेम चाहिए ना, तो नेम कैसे मिलेगा फिर, फाइल्स डॉट प्रोफाइल
प्रोफाइल डॉट नेम, यहाँ से नेम मिलेगा तुमको, रिजॉल्व, ठीक है। अब ये मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि ये है इमेज फाइल, ठीक है। तो इसे मैंने मूव करने के लिए रीनेम करके बताया था ना आप लोगों को, तो वो नहीं। अब ये इमेज फाइल है तो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है, में आता है, तो इसको करना पड़ेगा स्ट्रीम क्रिएट कर। ने बोला कि रीड स्ट्रीम राइट स्ट्रीम आर आर स्ट्रीम, ठीक है, मतलब वहां से रीड करो यहाँ पर राइट कर दो। और कैसे रीड करोगे, इफ दिस डॉट रीड क्रिएट रीड स्ट्रीम। तो मैं बोल रहा था कि ठीक है, अब क्या बोलू मैं, ठीक है, तो टेम्पररी पाथ ये मिल गया, मैंने रीड स्ट्रीम क्रिएट किया। और इसी तरह मैं राइट स्ट्रीम क्रिएट करता हूँ, राइट स्ट्रीम इक्वल्स टू एफ एस डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम, ठीक है, पाथ मूव पाथ। अब क्या करूंगा, मैंने टेम्परेरी फाइल से डेटा को रीड करना है और फिर मूव करना है कहाँ पर, जो मैंने स्ट्रीम किया राइट स्ट्रीम, तो मैं क्या करूँगा, आर स्ट्रीम डॉट पाइप एंड मैं लिख दूंगा डब्ल्यू स्ट्रीम, जो कि यहाँ पर एस देना चाहिए था मेरे को, चेक वर्क करता है कि नहीं। ऑलराइट फ्रेंड, तो अब देखिए यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये पिक कर दीजिए और ये ओपन फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ये फिनिश भी हो गया, लेकिन देखते हैं अब फाइल आया है कि नहीं। तो पब्लिक के अंदर, प्रोफाइल के अंदर, अरे भाई क्या, तो आ गया यहाँ पर देखिए पिक डॉट जेपीजी, ये इमेज आ गया। तो फ्रेंड इतना करने के लिए रुला दिया था इसने, ठीक है। तो अब वो टेम्प्रेरी पाथ को फ्रेंड डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्योंकि अब मेरा फाइल तो यहाँ पर मूव हो चुका है, तो उसको डिलीट करना बहुत ही जरूरी है। तो एक चीज आप लोग को मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि आप लोग जब भी इस तरह का यूज करते हैं तो async await का यूज कीजिए, ठीक है। आप लोगों को प्रॉमिस मैंने नहीं बताया, मैं इसका अपलोड करूंगा, मतलब जब तक स्ट्रीम क्रिएट ना हो तब तक वेट करो, ठीक है, और जब तक राइट स्ट्रीम क्रिएट ना हो तब तक वेट करो, अगर क्रिएट हो जाता है तब ये काम करो, ठीक है। उसके बाद ये क्या करो, अवेट, लेकिन अभी जरूरत नहीं है फ्रेंड शायद, लेकिन ऐसे यूज करोगे ना तो ब्लॉकिंग का जो ब्लॉकिंग है वो शायद कम हो जाएगा इससे, और आपका जो सर्वर है वो फास्ट काम करेगा। ऑलराइट, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या दे दूंगा, मैं रिस्पॉन्स में दे दूंगा उसको फाइल का पाथ, ठीक है, कैसे दे दूंगा, तो डॉट स्लैश प्रोफाइल और उसके बाद मैं स्लैश करके इसको मैं यहाँ पर ये बैकटिक का यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेशन में मैं वेरिएबल यूज करूंगा क्या, फाइल डॉट प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट नेम। और अब ये जब मूव हो गया फाइल तो डिलीट भी करना है टेम्परेरी पाथ को, ठीक है, मूव पाथ को डिलीट मत कर देना। तो एफएस डॉट अनलिंक नाम का एक फंक्शन है और इसके अंदर पास करना पड़ेगा टेम्परेरी पाथ,
टेम्परेरी पाथ, ठीक है। और टेम्परेरी पाथ को डिलीट करने के बाद मैं अगर यहाँ पर देखिए अगर एरर आता है तो फिर क्या करूँ, मैं इसको मैं बोल दूंगा कि इफ एरर तो करो एरर, नहीं तो क्या करो, नहीं तो ये चीज यहाँ पर जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ के अंदर कर देता हूँ। और इसके अंदर करने के बाद अब देखिए मैं अब यहाँ पर async await यूज करना ही पड़ेगा, जब मैं बोल रहा था कि नहीं करूँ लेकिन await करना ही पड़ेगा, await await और await और फिर await। ऑलराइट, अब ये जो ये रिटर्न करेगा फ्रेंड यहाँ पर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल में जो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली मैंने जो लिखा है उसके ठीक नीचे मैं चाहता हूँ कि जो उसने रिटर्न किया है ना वो आ रहा है कि नहीं, उसको करने के लिए या फिर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली इन प्लस रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स देखते हैं करके यहाँ भी मैं सेव करता हूँ। तो मैं फिर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश होता है फिर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पर एडिट में गया और इस बार इसको करता हूँ 2.jpg को। ऑलराइट, तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली इन, देखिए अब यहाँ पर प्रोफाइल ये 11.jpg ये मिल रहा है। तो ये पैच हम लोग क्या कर दें अभी इसमें यूज कर देंगे तो ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, तो अलर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे यूज करेंगे अब, तो कहाँ है यार ये, फ्रेंड हुआ था क्या कि यहाँ पर क्लिक करने के पर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी जगह में इसको मैं कंसोल पे करूंगा और फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट डॉट और यहाँ पर हैश प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट सेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट इस आरसी मैं दे दूंगा ये रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स। ये मैंने इस तरह से ले लिया। अब ये प्रोफाइल आईडी, तो अभी तो प्रोफाइल आईडी यहाँ पर देखिए मैंने जो ईमेल दिया है इसी को मैं आईडी दे दूंगा यहाँ पर, आईडी इक्वल्स टू प्रोफाइल। ओके, काम करेगा, आशा करता हूँ काम करेगा। ये मैंने क्लिक किया, इसको लगा दिया, ओपन किया, यहाँ पर देखिए ये वर्क कर रहा है, तो मजा आ गया फ्रेंड। तो इफ ड्राइव में गया, मैं एनिमेशन में गया, कुछ अच्छा सा इमेज लगाते हैं ना, क्या ये सब, लेकिन तुम बहुत गंदे हो। पी डॉट जे पी ओपन ऑलराइट, तो यहाँ पर चेंज हो जाए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, ठीक है, और मेरा जो टेक्निक है वो भी अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है इसको तो सचमुच मजा आया होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर वही है। तो आपका जितना भी सोशल मीडिया है वो इस तरह से प्रोफाइल को अपलोड करता है, ठीक है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी गर्लफ्रेंड आपको इंतजार करिए, जाओ।